साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय YouTube चैनल में। साथियों जब आप सभी को पता है कि मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट जारी कर रखा है, सभी को चेतावनी जारी कर रखी है कि साथियों आजकल जो तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं लोग घूमने नहाने तैरने घूमने, साथियों बता दें कि अपनी सावधानी बरते। जी हाँ दोस्तों, ये अभी की एक ऐसी दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें साथियों 7 दोस्तों की मौत हो गई है। जी हाँ, एक साथ 7 दोस्त एक एक कर साथियों पानी में डूबते गए और साथियों पूरे गांव में ऐसे मातम पसर गया पूरी तरह से हड़कंप। जी हाँ, ये खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से खबर आ रही है जिसमें दोस्तों बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना की गोविंद सागर झील में सोमवार को 7 युवक डूब गए। तो साथियों जानेंगे पूरे मामले, बस आपसे एक निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी युवक पंजाब के माहौली जिले के रहने वाले हैं। हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ है। बता दें कि दोस्तों गरीबनाथ मंदिर के पास झील में पहले एक युवक डूबा, इसके बाद बाकी 6 उसको बचाने के लिए एक एक कर सभी कूद रहे, मैं इसको बचाऊंगा। मौके पर गोताखोरों ने 7 शव को बरामद कर लिया गया है। साथियों लगातार वो 7 डूबते गए और साथियों कोई किसी को नहीं बचा पाया और 7 शवों को फिर साथियों बाहर निकाला गया। पंजाब के माहौली में 11 लोग नैना देवी के दर्शन के लिए गए थे। दर्शन करने के बाद बाबा बालकनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। करीब बात करें दोपहर 12:30 बजे गरीबनाथ मंदिर पहुंच गए। दर्शन के बाद जब एक युवक गोविंद सागर झील में नहाने उतरा तो गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। उसे डूबता देख 6 युवक उसे बचाने के लिए झील में कूद गए। बरसात से इन दिनों झील में ज़्यादा पानी था जिसके अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सके और सभी लोग डूबने लगे। बाकी साथियों ने शोर मचाया जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हुए। स्थानीय तैराकों ने झील में डूबे युवक को ढूंढने का प्रयास किया। 6:00 बजे शवों को निकाला गया है। 6 युवक थे साथियों जो 16 से 19 साल के थे, सिर्फ एक युवक 32 साल का था। साथियों बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।